हमारी धरती पर बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी, जो बीते वक्त के साथ बहु कोशिका वाले जीवों, मछली और जमीन पर रहने वाले जीवों के रूप में परिवर्तित होते चले गए थे। उन्हीं जीवों में से एक था डायनासोर, जिसकी विभिन्न प्रजातियों ने धरती पर कई लाख साल तक राज किया था। लेकिन एक दिन अचानक धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट गया और आज सिर्फ उनके कंकाल देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता तो क्या वर्तमान समय में उनका धरती पर अस्तित्व हो सकता था? क्या हम इंसान और डायनासोर एक साथ रह पाते, या फिर इसका कुछ दूसरा ही असर देखने को मिलता? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अगर धरती पर जिंदा होते डायनासोर्स, आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिससे निकले रेडिएशन और गर्मी ने डायनासोर की प्रजाति का अंत कर दिया था। इस टकराव की वजह से उस वक्त धरती पर मौजूद लगभग 80% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जबकि जमीन के अंदर रहने वाले चूहे और दूसरे छोटे आकार के जीव ही जिंदा बच पाने में सफल हो पाए थे। इस घटना से पहले धरती पर डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां रहती थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो वहीं कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और पेड़ पौधों को खाते थे। इसी तरह आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भी हुआ करते थे, जिनका आकार जमीन पर रहने वाले डायनासोर से छोटा होता था और वो मुख्य रूप से दूसरे जानवरों का शिकार किया करते थे। डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक डायनासोर को सौरोपोडा के नाम से जाना जाता है, जिसके पास लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और लंबे पैर हुआ करते थे। इस डायनासोर की लंबी गर्दन उसे ऊंचे पेड़ों से पत्ते और फल तोड़कर खाने में मददगार साबित होती थी, जबकि लंबे शरीर की वजह से सौरोपोडा दूसरे शिकारी जीवों के हमले से आसानी से बच पाता था। धरती पर डायनासोर की प्रजाति की उत्पत्ति से पहले छोटे आकार के जीव अस्तित्व में हुआ करते थे, जबकि डायनासोर के अंत के बाद भी धरती पर छोटे आकार के जीवों का ही राज था। यानी डायनासोर ही एक ऐसा जीव था जिसके पास विशालकाय और भारी भरकम शरीर था और उसने धरती पर कई सालों तक राज किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा हुआ करती थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छी खासी मात्रा में थी। पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलते थे, जिन्हें खाकर शाकाहारी जीव और डायनासोर अच्छी तरह से फल फूल रहे थे। वहीं मांसाहारी डायनासोर दूसरे जीवों को अपनी खुराक बनाते थे, जिसकी वजह से उनके शरीर का आकार बेहतर ढंग से विकसित हो पाता था। अगर 66 मिलियन साल पहले वो उल्कापिंड धरती से आकर ना टकराता तो ये तय था कि डायनासोर का अंत इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर बहुत ही बुद्धिमान जीव था, जो अगर उल्कापिंड के टकराव की वजह से नहीं मरता तो उसके विकसित होते रूप की वजह से पृथ्वी की काया बदल सकती थी। दरअसल हाल ही में डायनासोर के कंकाल, हड्डियों और खोपड़ी पर हुई रिसर्च से ये साबित होता है कि इस जीव के पास विकसित होने की क्षमता थी, जो बीतते समय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित हो सकता था। अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता तो संभव था कि बीतते समय के साथ उनके दिमाग का विकास तेजी से होता चला जाता और वो चार पैरों के बजाय दो पैरों पर चलना शुरू कर देते। इस तरह डायनासोर के शारीरिक और मानसिक ढांचे में परिवर्तन आने लगता और वो देखते ही देखते एक समझदार मानव या उससे मिलते जुलते किसी प्राणी के रूप में विकसित हो जाते, जिसके बाद डायनासोर अपनी बस्ती और परिवार बसाते और हम इंसानों की तरह जीवन जीने लगते। हम इंसानों के पूर्वज भी बंदर हुआ करते थे, जो बीते समय के साथ इतने विकसित हो गए कि उन्होंने इंसानों का रूप ले लिया और आज पूरी धरती पर हम इंसानों का राज है। इसी तरह अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो उनकी भी कुछ प्रजातियां इसी तरह से विकसित होकर एक समझदार इंसान का रूप ले लेती और शायद हम इंसान उन्हीं के पूर्वज हो सकते थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बंदरों की तरह डायनासोर्स का विकास क्रम एक जैसा होना तय नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह के अपवाद हैं। डायनासोर पेड़ों पर नहीं रहते थे और ना ही उन्हें पेड़ों पर लटकना आता था। इसके अलावा कुछ डायनासोर मांसाहारी होते थे, जबकि कुछ हवा में उड़ते थे। उनके लिए विकास क्रम को बंदरों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी समझ पाना मुश्किल हो सकता था, जिसकी वजह से वो इंसान की तरह समझदार प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकते थे।
हालांकि इस बात की संभावना है कि अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनका आकार पहले की तरह विशालकाय नहीं होता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि पृथ्वी पर पहले और अब के हालातों में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त धरती पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के डायनासोर्स के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि उनके पास रहने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह भी थी। लेकिन वर्तमान समय में धरती में इंसानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि जंगलों की निरंतर कटाई की वजह से छोटे जंगली जानवरों के घर भी छिन रहे हैं। डायनासोर जैसे बड़े जीवों के लिए इंसानी आबादी के साथ रह पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता। इसके अलावा डायनासोर्स को खाने की कमी और जलवायु परिवर्तन का भी सामना करना पड़ सकता था, जिसकी वजह से वो भुखमरी और मौसम की मार झेलने की वजह से ही मर जाते। वहीं अगर किसी वजह से कुछ डायनासोर्स जिंदा रहने में कामयाब हो भी जाते तो उन्हें जंगल सफारी में कैद करके रखा जाता और आम इंसान डायनासोर को देखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते। हालांकि ये सब तभी संभव हो सकता है जब डायनासोर का स्वभाव शांत हो या फिर धरती पर सिर्फ शाकाहारी डायनासोर ही जिंदा बचें, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर तो इंसानों को पल भर में चबाकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन इंसानों की आबादी के सामने डायनासोर की आबादी कम होगी, जबकि वर्तमान समय में हमारे पास आधुनिक मशीनें और गैजेट्स भी हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आज के समय में डायनासोर जिंदा होते तो उनका आकार पहले की तरह विशालकाय नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वर्तमान समय में धरती पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले की तरह बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से डायनासोर के शरीर का आकार बीतते समय के साथ छोटा हो सकता था। इसके अलावा खाने और रहने की कमी की वजह से भी डायनासोर्स के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह खूंखार और ताकतवर जीव के रूप में विकसित नहीं हो सकते हैं। अगर आज के दौर में डायनासोर जिंदा होते तो शायद उनका आकार गाय या भैंस की तरह होता या फिर उनसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। इतना ही नहीं, डायनासोर्स के दिमाग को काबू करके उन्हें कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवरों की तरह कमांड दी जा सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें जंगल सफारी में रखना आसान होता और उन डायनासोर्स की मदद से इंसान लाखों रुपए की कमाई करने में सफल हो सकते थे। लेकिन इन सब कल्पनाओं के विपरीत अगर सच में धरती से डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि धरती पर हम इंसान कभी अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डायनासोर काल के दौरान छोटे स्तनधारी जीव जमीन के अंदर छिपकर रहते थे, जो इस विशालकाय जीव के डर की वजह से बाहर नहीं निकलते थे। अगर डायनासोर कभी मरते ही नहीं तो उन छोटे जीवों को अपने बिलों से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वो विकसित होकर बंदर और भालू समेत दूसरे तरह के जीवों में तब्दील हो सकते थे। जब बंदरों का ही अस्तित्व नहीं होता तो हम इंसान कहां से पैदा होते, क्योंकि बंदर ही हमारे पूर्वज हैं और उनके होने से ही धरती पर हमारा अस्तित्व है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायनासोर का अंत हम इंसानों समेत विभिन्न प्रजाति के जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वो डायनासोर के डीएनए पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायनासोर को एक बार फिर जिंदा किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई मिलियन साल पहले फ्रोजन हो चुके मच्छरों के सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिनके शरीर के अंदर डायनासोर का खून मिलने की संभावना है। उन मच्छरों की मदद से डायनासोर के डीएनए को रीस्टोर कर लिया जाता है तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वैज्ञानिक डायनासोर को फिर से जिंदा कर ले। हालांकि डीएनए के साथ एक बड़ा नियम ये भी है कि अगर डीएनए ज्यादा पुराना हो तो उसे रीस्टोर नहीं किया जा सकता है और ना ही उसका इस्तेमाल करके किसी जीव को जिंदा करना पॉसिबल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए को प्राप्त करके उसके साथ किसी तरह का प्रयोग करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या हो सकता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।